कर दोस्तों, मैं सोनू सर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं स्मार्ट गुरुकुल में। चलिए फिर से तरोताजा हो जाइए, क्योंकि आपको लोदी वंश के विषय में बताने वाले हैं। और लोदी वंश के विषय में जब बताने वाले हैं तो पिछले वीडियो में मैंने बता भी दिया था आपको, है ना, परेशान होने की आवश्यकता है नहीं। चलिए, और विशेष तौर पर हम ये कहेंगे, देखिए आप बिल्कुल हम कहेंगे नाखुश मत होइए, है ना, क्योंकि तरोताज़ा अब भी हैं, तब भी थे और कल भी रहेंगे। आप परेशान नहीं होइए, आपकी परेशानी मुझे समझ में आ रही है, आपकी व्याकुलता मुझे समझ में आ रही है कि आप परेशान बेवजह हो रहे हैं। और इस बेवजह का कारण क्या है आप जानते हैं? बेशक आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी परेशानी का कारण क्या है। आपके परेशानी का कारण है कि आपको मन नहीं लगता पढ़ने में, है ना। चलिए, और अगर कहिएगा सर कि मन तो लगता है लेकिन उस प्रकार जो तरोताज़ा आप पहले थे, क्या अब है आप में? सर बिल्कुल बेशक है, उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ा हुआ। लेकिन कहिएगा क्यों? क्योंकि देखिए अभी हम लोगों को इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, इतना उतावला होना नहीं है। कहा जाता है ना, जो जितने तेजियों के साथ आगे बढ़ता है वह उतने तेजियों के साथ गिर भी जाता है, इसलिए हमें परेशान नहीं होना है, है ना। कहा गया है सत्य परेशान हो सकता है पर हार कभी नहीं सकता, पराजित नहीं हो सकता है। इसलिए आप परेशान ना होइए, हम आपके साथ हैं। हाँ, रही बात क्या कि देखिए जो पहले हम बताया करते थे डिजिटल बोर्ड के बाहर, है ना, उसमें कुछ और भी ज़्यादा रोचकता होती थी। लेकिन आज जब डिजिटल दुनिया में आए हैं तो इस दुनिया में थोड़ा सा ये कमी पड़ गया है कि देखिए आपके सिलेबस में जो चीज़ था, है ना, वो बताना बेहद जरूरी है। लेकिन आपको मैं बार बार वही कहता हूँ कि देखिए इन सभियों में से लोदी वंश से जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, अलाउद्दीन आलम शाह का, मोहम्मद शाह का, है ना, पढ़ा था ना, देखिए मुबारक शाह का, इन सब का जब हम पढ़ रहे थे तो इन सब में मुझ में अर्थात आप में, है ना, देखिए सिलेबस में ये सब है तो मुझे पढ़ाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन मैं आपको डीपली नहीं बताता हूँ, इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि आपके एग्जाम से यहाँ प्रश्न हमने ये भी कहा था कि इक्का दुक्का अर्थात नहीं के बराबर आता है, है ना, इसलिए हमें उस तरह से जो होता है एफर्ट लगाना, जोर लगाना, वो जोर नहीं लगा पाते हैं, है ना, और नहीं लगाने का बस यही एक कारण था। पर आप परेशान ना होइए कि सर जब पढ़ाते हैं तो जोर क्यों नहीं लगाते हैं, है ना। देखिए जोर आप में जानते हैं कि आपको संयम बरतने के लिए कहे हैं हम, है ना। जब जिस व्यक्ति में संयम आ जाता है, जिस मनुष्य में संयम आ जाता है, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, है ना। पर आप में संयम आनी चाहिए, जब संयम आएगी तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकिएगा, है ना। इसलिए आप परेशान ना होइए, आपकी परेशानी को हम समझ पा रहे हैं, है ना, पर आप बिल्कुल परेशान ना होइए। चलिए हम लोग लोदी वंश पे आते हैं सबसे पहले, है ना। देखिए आज जो भी वंश है उस वंश को हम समाप्त कर देंगे ताकि आने वाला जो वीडियो होगा मेरा उसमें आगे का जो सिलेबस होगा वो बड़ा रोचक होगा। आप उसमें मेरा एफर्ट देखिएगा, है ना, आपको मैं उसमें ऐसा आनंद दूंगा, ऐसा पढ़ाई दूंगा, है ना, जिसमें आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, है ना, बेशक आप चिंतित मत होइए। चलिए हम लोग लोदी वंश के विषय में जानते हैं, है ना, किसके वंश में जानते हैं? लोदी वंश, लोदी वंश के विषय में जानते हैं। और हमने कुछ, है ना, पढ़ा था, थोड़ा बहुत पढ़ा था पिछले वीडियो में, पर कोई बात नहीं, लोदी वंश के विषय में अगर जानेंगे तो इसमें सबसे पहले बहलोल लोदी को जानना होगा, है ना, इसके बाद सिकंदर लोदी को जानना होगा, इसके बाद लोदी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, इसको जानना अति आवश्यक है। और आज हम तीनों को आसानी के साथ पढ़ेंगे, है ना। चलिए आप परेशान ना होइए, लोदी वंश, है ना, लोदी वंश का संस्थापक अगर मानेंगे तो कौन था?
बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी। अर्थात देखिए यहाँ है ना, बहलोल लोदी लोदी वंश का ये संस्थापक था। कौन था? लोदी वंश का संस्थापक, ठीक है ना। आप ध्यान में रखिएगा इस चीज को कि लोदी वंश का अगर संस्थापक था तो कौन था? बहलोल लोदी था। ध्यान में रखनी है, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, है ना। चलिए आपको हम परेशानी से है ना आज़ादी दिला दूंगा, है ना। याद रखिएगा दोस्त, आप परेशान ना होइए, क्योंकि आप परेशान होते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि हम आपसे बेहद ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, है ना। इसलिए आप परेशान ना होइए, आप भी मुझसे प्रेम करते हैं, मैं भी जानता हूँ। आप भी मुझसे प्यार करते हैं, मैं भी जानता हूँ। यही प्यार तो होनी चाहिए, है ना। एक शिक्षक और एक छात्र के बीच, है ना, एक भाई के बीच, एक दोस्त के बीच यही स्नेह ममता, यही प्यार होना चाहिए, तब देखिए क्या आनंद आता है, है ना। चलिए दोस्त आप परेशान ना होइए। चलिए लोदी वंश का संस्थापक हमने कहा है, देखिए बहलोल लोदी है। लोदी वंश का संस्थापक कौन? बहलोल लोदी। नहीं, लोदी वंश का संस्थापक कौन? बहलोल लोदी। यह सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किया था। कल भी मैंने बताया था तकरीबन 38 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 38 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। ध्यान में रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जिन्होंने सबसे लंबा समय तक शासन किया। और यही नहीं, इन्होंने पूरा जोर लगाया दिल्ली साम्राज्य को विस्तार करने में, है ना। चलिए परेशान ना होइए। चलिए आगे पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। यह कभी ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठा था, है ना। बहलोल लोदी जो था यह कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा था, कालीन अर्थात नीचे बैठा था। और इसके जो सेनापति होते थे, जो वजीर होते थे, जो प्रधान सेनानायक होते थे, इसके चारों ओर बैठते थे इर्द गिर्द, है ना। इसलिए देखिए यहां पर लिखा है यह कभी सिंहासन पर बैठा नहीं, ये कालीन पर बैठता था। कहां? कालीन पर। चलिए ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसने बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलवाया था, है ना। याद रखिएगा, लोदी वंश के जो शासक थे बहलोल लोदी, इन्होंने कैसा सिक्का चलाया था? बहलोली नामक सिक्का चलवाया था। और वो सिक्का किस धातु का था? चांदी का था। किसका था? चांदी का था। चलिए, और इसका मूल्य था 1/3, अर्थात तीन में कह सकते हैं, तीन हिस्से में एक हिस्सा कह सकते हैं। नहीं, इसका मूल्य था 1/3 का। यह अकबर के समय तक चलता रहा। किसके समय तक चलता रहा? अकबर, जो सम्राट राजाओं का राजा था, है ना। अकबर, अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था। याद रखिएगा, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो या ईसाई हो या अन्य कोई धर्म क्यों ना हो, है ना, वो सभी धर्मों का सम्मान करता था। एक बात यूं ही बात आता है कि अकबर ने, याद रखिएगा, अकबर तिलक लगाना भी शुरू किया था, और वह हिंदू धर्म से प्रभावित होकर करके उन्होंने तिलक लगाना शुरू कर दिया। कभी उन्होंने किसी का अभिलना नहीं किया, किसी धर्मों का उन्होंने पक्ष नहीं किया, अर्थात अगर बात करें तो सभी धर्मों का वो सम्मान करते थे। कौन? सम्राट अकबर। इसलिए अकबर तक वो मुद्रा प्रचलन था। फिर अकबर ने ये मुद्रा प्रणाली क्या हुआ था? समाप्त कर दिया। फिर उन्होंने अपना प्रणाली अपनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बहलोल लोदी जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दिल्ली में मिला लिया, है ना। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न तो नहीं आता है, पर हो सकता है बाय द वे अगर देखने को मिले एक आध प्रश्न तो जरूर आएगा। लेकिन हाँ, जो आपको मैंने बताया कि लोदी वंश संस्थापक था, यानी लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। यहां से आपके प्रश्न जरूर आते हैं, ठीक है ना। चलिए, और एक प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि वह कौन सा राजा था जो कभी सिंहासन पर नहीं बैठा था? वो बहलोल लोदी था। कौन था? ये बहलोल लोदी। ध्यान में रखिएगा, फिर बहलोल लोदी जौनपुर के शासक अर्थात हुसैन शाह सरकी को हराया, और हराया उसके बाद मतलब कि उसे पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद दिल्ली साम्राज्य में उसको मिला लिया। किसको मिला लिया? जौनपुर को। किसको? जौनपुर को दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
सिकंदर लोदी के विषय में। चलिए आगे हम लोग सिकंदर लोदी के विषय में अब पढ़ेंगे। चलिए ध्यान रखिएगा, है ना, सिकंदर लोदी। अब देखिए बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी आता है। सिकंदर लोदी का शासन काल कब से कब तक था इसके विषय में जानते हैं, 1489 से 1517 ईस्वी तक था, है ना, ध्यान में रखिएगा। हो सकता है इसके शासन काल पूछ दे एग्जाम में, इसलिए आप परेशान ना होइएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी शासक बनता है। कौन बनता है? बहलोल लोदी के बाद कौन सा शासक आया? सिकंदर लोदी, ध्यान में रखिएगा, है ना। ये दिल्ली सिंहासन पर राजमान होने वाला शासक था। कहां का? दिल्ली का, याद रखिएगा। अब आगे पढ़ते हैं। और लोदी वंश का सबसे प्रतापी शासक सिकंदर लोदी हुआ, याद रखिएगा। यहां से आपके प्रश्न देखने को मिलता है, क्या लोदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन बना था? ये सिकंदर लोदी। कौन बना था? सिकंदर लोदी। लोदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन बना था? सिकंदर लोदी, ध्यान में रखिएगा। यहां से प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, देखिएगा। इसके पिता बहलोल लोदी के 9 पुत्र थे, याद रखिएगा। अगर बायदी में एग्जाम में पूछा जाए तो ध्यान में रखिएगा, बहलोल लोदी के कितने पुत्र थे? 9 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 9 पुत्र थे। और यह तीसरा पुत्र था, यानी याद रखिएगा ध्यान में कि बहलोल लोदी के सिकंदर कबे पुत्र हुए, तो तीसरा पुत्र हुआ। कौन सा? तीसरा पुत्र, ध्यान में रखिएगा। कौन सा पुत्र? तीसरा पुत्र। और इसका नाम निजाम खा था। क्या था? निजाम खा, याद रखिएगा। किसका नाम था? तीसरा पुत्र, अर्थात बात करें सिकंदर लोदी का, है ना, नाम क्या था? निजाम खा था। चलिए लेकिन बाद में यह सिकंदर लोदी के नाम से सुल्तान बना, है ना। पहले देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि बचपन में कुछ और नाम रहता है तो बड़े होने के बाद कुछ और नाम हो जाता है। तो शुरू में अगर निजाम खा नाम था तो बाद में चल कर करके ये सिकंदर लोदी कहलाए। कौन कहलाए? सिकंदर लोदी। किसका पुत्र था? बहलोल लोदी था, बहलोल लोदी का था, जो बहलोल लोदी दिल्ली सिंहासन पर, है ना, बैठा था, परंतु वो दिल्ली के सिंहासन पर कभी नहीं बैठा था ना, याद रखिएगा, जो लोदी वंश का संस्थापक था। और बात करें वो उन्होंने 38 वर्ष शासन किया था, सबसे लंबा शासन काल रहा था, लेकिन वो सिंहासन पर नहीं बैठा था, वो कालीन अर्थात नीचे बैठता था ना। चलिए आगे पढ़ते हम लोग। सिकंदर लोदी के प्रमुख कार्य क्या क्या थे, है ना, सिकंदर लोदी के प्रमुख कार्य क्या क्या थे इसके विषय में जानते हैं। देखिए 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना की, जबरदस्त प्रश्न। आगरा शहर की स्थापना कब किया गया? 1504 ईस्वी में। कब किया गया? 1504 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था? सिकंदर लोदी के भी द्वारा, है ना, सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई, याद रखिएगा। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। और यही नहीं, स्थापना करने के बाद यहां से देखिएगा कि आगरा को ही अपनी राजधानी बनाई, याद रखिएगा। एक ऐसा प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया और अपनी राजधानी बनाई, किस, वह कौन सा शासक था, अर्थात वह कौन सा शासक था जिसने आगरा शहर की स्थापना की और साथ ही साथ उसको अपना राजधानी बनाया? तो यह सिकंदर लोदी था। कौन था? सिकंदर लोदी, ध्यान में रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, छूट ना पाए, इसलिए ध्यान में रखिएगा। जितने सारे प्रश्न है ना, ये देखिए बहुमूल्य यहां से बनते हैं। एक ये हो गया सिकंदर लोदी का, जिन्होंने आगरा शहर की स्थापना की, याद रखिएगा। और सिकंदर लोदी जो हम कह सकते हैं किसका पुत्र था? बहलोल लोदी का था, जो इसका उत्तराधिकारी के रूप में
आगे चल कर करके गद्दी थमा, ठीक है ना। चलिए एक प्रश्न हो सकता है बाय द वे पूछे कि सिकंदर लोदी का बचपन का क्या नाम था, है ना, जो बाद में वो सिकंदर लोदी कहलाए, तो निजाम खान था। कौन था? निजाम खान था। चलिए आगे हम लोग ये सिकंदर लोदी जान गए, इन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और इसको अपनी पढ़ते हैं। चलिए इसके बाद देखिए क्या है? इसने कृषि के विकास के लिए गज ए सिकंदरी नामक प्रमाणिक नाप का प्रचलन किया, जिसका उपयोग भूमि को मापने के लिए किया जाता था, है ना, जिसका उपयोग भूमि को नापने के लिए किया जाता था। क्या किया जाता था? इसने कृषि के क्षेत्र में बड़ा ही अच्छा कार्य किया। किसने? सिकंदर लोदी ने, है ना। सिकंदर लोदी ने कृषि के क्षेत्र में बड़ा ही सराहनीय योगदान दिया और उनकी पैमाइश के लिए, भूमि की नपाइश के लिए उन्होंने गज प्रणाली शुरू किया, है ना, गज प्रणाली शुरू किया। और इसके बाद हम लोग जानते हैं कि उन्होंने भूमि की जो पैमाइश होती थी उसके बाद उन्होंने टैक्स वगैरह जो भी होता था वो उन्होंने प्रारंभ किया, है कि नहीं। जहाँ तक हम जानते हैं कि एंशियन हिस्ट्री में अर्थात प्राचीन इतिहास में हमने पढ़ा था कि कई ऐसे शासक थे, या फिर हमने ये भी जाना था कभी कि भारत कभी गुलाम हुआ करता था अंग्रेजों का, है ना। जब कभी अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था तो अस्थाई बंदोबस्त आता था ना, महलवाड़ी बंदोबस्त आता था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त आता था, जिसके तहत भू राजस्व कर निश्चित कर दिया था, जिसके बाद कहे तो वह अस्थाई था, ताकि और भी कई लॉर्ड कर्नवालिस आए या सर जॉन मार्शल जी आए, उन्होंने 10 वर्ष तक करने को कहा, लेकिन अन्य जो सरकारी अधिकारी थे अर्थात अंग्रेजी अधिकारी थे उन्होंने ये सब को जो मानना था ये सब मानने से इनकार कर दिया, है ना। अंत में जाकर करके फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई धीरे धीरे, तो हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत और पांचवी रिपोर्ट जब आई तो इसके बाद, है ना, उसमें दस्तावेज तैयार किया गया 1002 पृष्ठों का, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं समाधान होने की फिर कोशिश की गई। और यही ने फिर संघर्ष भी किया गया, है ना। फिर महात्मा गांधी जैसे नेता आए, जब वो सब आए तो उन्होंने जाकर करके पूर्ण प्रयास किया, संघर्ष किया, और जितने भी भूमि पैमाइश की नाप जोक होती थी या बात करें टैक्स की, सारे टैक्स को फिर खत्म कर दिया गया, नहीं जब आजाद हुई हिंदुस्तान तब, है ना। चलिए तो ये बात थी प्राचीन काल की थी। चलिए धीरे धीरे आज हम लोग आधुनिक काल की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें जानेंगे नहीं। चलिए इसने कृषि के क्षेत्र में गज ए सिकंदरी पद्धति किसने अपनाया था? सिकंदर लोदी ने। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न हो सकता है कि आए गज ए सिकंदरी पद्धति किसने लागू किया था, तो नाम देखिए लिखा ही हुआ है सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला, सिकंदर लोदी एक लेखक भी था। सिकंदर लोदी एक लेखक भी था, वह फारसी भाषाओं में कविताएं लिखा करता था। याद रखिएगा, एक प्रश्न अगर हो सकता है कि सिकंदर लोदी किस भाषा के लेखक थे, तो फारसी भाषा के। किस भाषा के? फारसी भाषा के, ना, फारसी भाषा के ये लेखक थे। कौन लेखक थे? सिकंदर लोदी। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये हम लोग चैप्टर सिकंदर लोदी का पढ़ रहे हैं, तो सिकंदर लोदी के ही बारे में जानेंगे, है ना। सिकंदर लोदी फारसी भाषा के बहुत प्रसिद्ध लेखक भी रहे थे, याद रखिएगा, ठीक है। उसने कविताएं लिखने के लिए गुल रुखी नामक उपनाम रखा हुआ था, है ना, याद रखिएगा। ये प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है, VVI है, इसको कर लीजिए, है ना। गुल रुखी नामक
उपनाम रखा हुआ था, उसने कविता लिखने के लिए गुलरुखी नामक उपनाम रखा था। अर्थात सिकंदर लोदी का उपनाम क्या था, बात करें तो गुलरुखी, क्योंकि वो कविता लिखा करता था, है ना। कविता लिखने के क्रम में नाम लिख देते हैं। लिखने के कर्म में, ठीक है ना, उनको उपनाम दिया गया था गुलरुखी, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों धर्म को एक नजर से देखते थे। हिंदू धर्म जो होता था और इस्लाम धर्म जो होता था, दोनों धर्म को एक समान देखते थे, है ना। दोनों धर्मों को वो एक समान देखते थे, किसी का, है ना, बुरा ना चाहा और किसी का भला ना चाहा, अर्थात यू कहे तो दोनों को एक जैसा चाहा, है ना। इसीलिए सिकंदर लोदी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म को एक जैसा मानते थे। देखिए, एक नजर से देखते थे, और जिस भी धर्म में कोई कार्य अच्छा नहीं लगता, है ना, तो उस कार्य पर प्रतिबंध लगवा देता था, है ना। यानी जिस धर्म में जो भी कार्य अच्छा नहीं लगता था, तो सिकंदर लोदी क्या करते थे, उसको बंद करवा देते थे, है ना। ये ठीक नहीं है, हटा दो, नहीं ऐसा कुछ कहते थे, ठीक नहीं है, हटा दो। चलिए हटा देते, हम लोग क्यों हटाएंगे भला दोस्त, है ना, हम लोगों को तो पढ़नी है कि नहीं है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इब्राहिम लोदी, जो अंतिम शासक था, है ना, 1517 से 1526 ईस्वी तक चला था। चलिए हम लोग जानते हैं यह दिल्ली संतलन तथा लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी जो था दिल्ली संतलन का, और हम लोग कह सकते हैं लोदी वंश का अंतिम शासक, यहां लिख देते हैं, थोड़ा सा लिखा हुआ तो है, ये है कि नहीं। अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन, इब्राहिम, कौन, इब्राहिम लोदी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। 1518 में खतौली का युद्ध, है ना, हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी का सामना राणा संगा से हुआ था, है ना। खतौली अर्थात यूं ही बात करें तो हम लोग, ये खेतड़ी का युद्ध, कौन सा युद्ध, खेतड़ी का युद्ध, कौन सा युद्ध, खतौली अर्थात खेतड़ी का युद्ध। खेतड़ी का जो युद्ध हुआ था ये राजस्थान में हुआ था, कहाँ, सॉरी, खेतड़ी का युद्ध नहीं, खेतड़ी जो स्थल जो है ना, ये राजस्थान में, कहाँ है, याद रखिएगा, राजस्थान में है, है ना। और जानते हैं यहाँ से तांबा बहुत ज्यादा प्राप्त होता है, खेतड़ी से तांबा प्रसिद्ध है, है ना, खेतड़ी के लिए। चलिए आगे जानते हैं, ये खतौड़ी का युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी, देखिए नाम है युद्ध का लेकिन आपको ये स्थल बता रहे हैं, ठीक है ना, नाम है ये युद्ध का, खतौड़ी का युद्ध, जो राणा सांगा से हुआ था, किसका, है ना, किसका हुआ था, इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी, याद रखिएगा, खतौड़ी का युद्ध अर्थात खेतड़ी का युद्ध किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच, याद रखिएगा, है ना। हम लिख देते हैं यहां पर राणा सांगा और इब्राहिम लोदी, है ना, किसके बीच, इब्राहिम, चलिए हम लिख दिए हैं इब्राहिम लोदी के बीच, किसके बीच, इब्राहिम लोदी के बीच, किसके बीच, इब्राहिम लोदी के बीच। देखिए थोड़ा सा इस जगह, है ना, थोड़ा सा घिसबिस आ गया, नहीं कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो ये, तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक, ध्यान में रखिएगा।
अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, आगे देखिए, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और पंजाब के शासक दौलत खां दोनों ने मिलकर हो जाए, इसलिए दोस्त हमारे हमने वादा किया था कि आपको इतना सा ही पढ़ाएंगे जितना कि आपको समझ में आ सके और आपका माइंड कभी बोर फीलिंग ना हो, है ना। तो मनोरंजन तो हमने कहा है कि नहीं, पर आनंद जरूर दिलाएंगे, है ना, ऐसा हमने जरूर कहा है। और अंत में बस ये कह रहे भाई मेरे कि आप हमारे एप्स स्मार्ट गुरुकुल को चुनिए, बेहतर भविष्य की कामना करिए। बाकी मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।